रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया, रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन उस ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ, उस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम है। ये रेक्टेंगुलर पार्क है और क्वेश्चन क्या लिखा है कि इसकी ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम है, ये क्या होगी इसकी लेंथ होगी और ये क्या होगी इसकी ब्रेथ होगी, और क्वेश्चन में क्या बोलेंगे व्हिच ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ, जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है, तो ब्रेथ को हमने बी लेट कर लिया और क्वेश्चन क्या लिखा 3 मीटर लेस है लेंथ से, तो क्या है बी इज इक्वल टू एल माइनस 3, बी एज इट इज इसके बेस पे इक्वल आ गया 3 मीटर लेंथ लेस है किससे लेंथ से, लेंथ से मैंने लेंथ को मैंने एल ऐड कर लिया तो ब्रेथ कितनी आएगी एल माइनस 3। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है किससे, इसके बेस के ऊपर दैट हैज बीन ऑलरेडी द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ के ऊपर जहां पे रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ है उस ब्रेथ के ऊपर एक बेस है ट्रायंगल का, मतलब ये बेस है और ये ब्रेथ है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी हुई है और जिसका एल्टीट्यूड हमारे पास गिवन है कितना 12 मीटर। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा किससे ट्रायंगल से, ऑफ देन द एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क बना हुआ है दैट हैज बीन ऑलरेडी द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप है और जो इस रेक्टेंगुलर गार्डन के ब्रेथ के ऊपर बना हुआ, ब्रेथ के ऊपर बनने का मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ के ऊपर है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट कितनी है एल्टीट्यूड कितना है 12 मीटर, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इस रेक्टेंगुलर का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है इस ट्रायंगल से, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मान लो इसका एरिया 20 है तो इसका एरिया कितना होगा 24 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है इट्स एरिया शुड बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, इसका एरिया 4 सेंटीमीटर 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है इससे, जो कर इसका एरिया 20 होगा तो इसका एरिया कितना होगा 24 होगा, 24 और 20 को आपस में इक्वल करने के लिए हम 4 किस में ऐड करेंगे 20 के अंदर, 24 और 20 को आपस में इक्वल करने के लिए हम 4 किसके अंदर ऐड करेंगे 20 के अंदर, और 20 किसका एरिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, 20 किसका एरिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो मैं भी स्पेशल लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब मैंने यहां पे कैसे लिखा देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो 24 है, 24 और 20 को मुझे आपस में इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा 20 के अंदर 4 ऐड कर दूंगा, और 20 किसका एरिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया कितना 24 मैंने लेट कर रहा था, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस 4। अब हमारे पास यहां पे लेंथ कितनी गिवन है एंड लेंथ को एल गिवन दो और बी के बेस पे क्या आ जाएगा एल माइनस 3 मल्टीप्लाई हाफ और बी, बी का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल इसका ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल का बेस और ब्रेथ दोनों क्या है सेम है, तो इट मींस क्या होगा जो इसकी ब्रेथ होगी मतलब बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा एल माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी क्या इंडिकेट कर रहा है बेस भी इंडिकेट कर रहा है ब्रेथ भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये इसका बेस भी होगी इसकी ब्रेथ भी होगी, तो यहाँ से उसकी ब्रेथ कितनी एल माइनस 3 है और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी गिवन है हमारे पास 12 प्लस 4 कट कर देंगे तो क्या आएगा 6 एल को एल से करेंगे एल स्क्वायर माइनस 3m प्लस एल इज इक्वल टू एल माइनस 3 इनटू 6 प्लस 4। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इन दोनों को पहले प्लस करते हैं बट बोर्ड हमारा सोल क्या कहते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करने फिर प्लस करने, तो क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस 3m 6 को ऐसे करेंगे 6n 6 को 3 से करेंगे 18 प्लस 4, तो क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस 3m ये प्लस का 6n है लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का 6n हो जाएगा माइनस का 18 है प्लस का 18 हो जाएगा प्लस का 4 है माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे मर्जी सॉल्व कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे, क्या आएगा 7n माइनस 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहां से एल कॉमन ले लेंगे एल माइनस 7 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे एल माइनस 7 इज इक्वल टू
जीरो, तो एल माइनस सेवन और एल माइनस टू आ गया यहाँ से इज इक्वल टू जीरो, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी सेवन और टू। अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा होगा कि दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि दोनों आंसर क्या है पॉजिटिव आ रहे हैं, बट हमें चेक करते हैं कि कौन सा आंसर पॉसिबल है कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं एल की वैल्यू सेवन रखता हूँ तो उस केस में ब्रैकेट कितनी आएगी सेवन माइनस थ्री दैट इज फोर, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दोनों आंसर ठीक है। जब मैं एल की वैल्यू टू रखूंगा तो उस केस में मेरे पास ब्रैकेट क्या आएगी टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन, तो कभी भी नेगेटिव साइड होती नहीं इसलिए ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो उसका आंसर क्या आएगा लेंथ इज इक्वल टू सेवन और ब्रेथ इज इक्वल टू फोर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर?